कैसे हैं आप सर। मैं आपका अपने चैनल बिलीव मी यू आर ब्यूटीफुल में स्वागत करती हूँ। देखिए आजकल मैं थोड़ी सब्जी बनाना भी अपनी डाल रही हूँ कुछ वीडियोस। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और मैं बहुत इजी वे से खाना बनाना सिखा रही हूँ ताकि जिनको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता वो भी खाना बनाना सिखा सकें सीख सकें। आज मैं पालक पनीर बनाऊंगी और ये मैं आपको सिखाती हूँ ये कैसे बनाते हैं। देखिए ये पालक इस तरह से गड्ढी बाजार में मिलती है। हमें क्या करना है, ये जो पीछे का पहले हमें ये रस्सी काटनी है। इस तरह से ये रस्सी काट देंगे हम। उसके बाद इसका ये पीछे की जड़ें हैं इस तरह से हम पूरा काट देंगे, पूरा ही एकदम से काट के निकाल देंगे इसको। उसके बाद हमने ये निकाले, इसके बाद हम ये पालक इस तरह से खोल के देखेंगे। जो गले सड़े पत्ते हैं वो ऐसे निकाल देंगे, जैसे जो भी छोटे छोटे पत्ते आपको दिख रहे हैं गंदे पत्ते वो आप वैसे करके निकाल देंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये गंदे पत्ते हैं सारे। ये देखिए, ये सब गंदे पत्ते हैं। ये वाले ये देखिए, ये दिख रहे होंगे आपको छोटे छोटे। ये देखिए, ये गले हुए पत्ते हमें सारे निकाल देने हैं। ये नहीं है कि बस एकदम उठाया काटा और धोखे डाल दिया, कोई कीड़ा भी हो सकता है बीच में। हमने ये देखा ये सारे पत्ते अब साफ हैं, इन पत्तों में कुछ नहीं है, ये पत्ते बिल्कुल साफ हैं। इसके बाद हमने इनको ऐसे पतीले में लेना है। ये देखिए मैं आपको दिखाऊंगी इनको धोना कैसे है। जो फर्स्ट टाइम बना रहे हैं उनको धोना नहीं आएगा तो धोना सीखना भी बहुत जरूरी है। ये देखिए ऐसे पहले हमने पतीले में पानी डाला इस तरह से, और इसमें बहुत मिट्टी होती है और इसे बहुत ध्यान से धोना चाहिए। बिना धोए पालक को कभी ना बनाए क्योंकि इससे आपको स्टोन बनने का भी खतरा है। आप चलने में भी धो सकते हैं, लेकिन मैं जिस हिसाब से धोना सिखा रही हूँ वो ये उन लोगों के लिए जिनको भी कुछ भी नहीं आता, पता ही नहीं है कि सब्जी पकड़नी कैसे है, सबको ही कैसे पकड़ना ये भी नहीं पता, ये उनके लिए। अब देखिए मैं दूसरी बार पानी भरा इस तरह से, ऐसे पत्ते बिछ गया मैंने। ये देखिए कितनी मिट्टी निकली है, देखिए दिखा होगा आपको कितनी मिट्टी है। उसके बाद हमें ऐसे छन्नी लेनी है, छन्नी निकाल कोई सी भी छन्नी आप ले सकते हैं, ऐसे वाली ये ले ली मैंने इसमें पत्ते ऐसे निकाल। देखिए फिर से पानी लेना है हमें। देखिए तो ट्रेंड होंगे जिनको पहले से धोई का काम आता है वो तो ऐसे फटाफट धोके कर लेंगे, और जो पहली बार पालक बनाना सीख रहे हैं कैसे करेंगे पानी स्लो करेंगे, एक एक पत्ते कैसे धोएंगे, ऐसे दो दो तीन पत्ते आप हाथ में भी धोएंगे ना। आपको कैसे धोने नहीं आते तो आपके लिए सबसे आसान तरीका है कोई भी छलनी ले लीजिए, कोई भी छलनी जो भी आपके पास हो ऐसे लेके ऐसे इस तरह से दो पत्ते पत्ते आप धो सकते हैं। ऐसे आपके एक भी पत्ते में मिट्टी नहीं रहेगी। ये देखिए मैंने ऐसे लिए छोटे छोटे पत्ते, अब ये पतीला जैसे नीचे पानी भरा हुआ है उसमें से मैंने ये ले लिया पत्ते, और पतीले को ऐसे मैंने साइड पर कर लिया और मैं ऐसे पानी चलाया और मैंने जैसे सारे पत्ते इस तरह से धो लिया। तीन डाल दीजिए। इसके अलावा हरी सब्जी जब भी आप कभी बनाएं उसे अलग से नमक का तड़का नहीं लगाना चाहिए। जब हम सब्जी बना रहे हों उसके साथ ही हमें थोड़ा सा नमक, आधा चम्मच नमक डाल देना चाहिए साथ के साथ ही। देखिए मैं आधा चम्मच नमक ले रही हूँ और ये मैंने डाल दिया पालक उबालते टाइम डालिए, अगर बहुत कम लगता है तो फिर आप उसमें डाल सकते हैं। अब मैंने ये ले लिया प्रेशर कुकर, मैंने इसमें पालक डाली, नमक डाला, तीन चम्मच डाली और मैंने इसे बॉयल करने के लिए अब रख देना कुकर में। गैस कुकर रन किया और मैंने गैस पर इसे रख दिया दिया बनने के लिए पालक की उबलने के लिए, और जब ये दो विसल होंगी तो मैं गैस बंद कर दूंगी। पालक उबल गई थी दो विसल में ही, और अब मैं इसे मधानी से पीस रही हूँ। मैं इसमें मिक्सी यूज़ नहीं कर रही, मिक्सी से मुझे पीस नहीं आता। आप चाहें तो मिक्सी में भी उबलने के बाद इसे डाल के पीस सकते हैं, लेकिन मैं मधानी से ही पीस रही हूँ। मैं तड़का भून रही हूँ। नमक मैंने पालक उबालते समय ही आधा चम्मच डाल दिया था। हम जब कभी भी कोई हरी सब्जी को बॉयल करते हैं जैसे साग पालक इन सब्जियों को जब भी कभी बॉयल करने के लिए रखते हैं तो इसमें साथ के साथ ही नमक डाल देते हैं, इनमें बाद में नमक नहीं डालते हैं, पहले ही बॉयल करने से पहले ही डाल देते हैं। टमाटर लाल हो गया है, प्याज लाल हो गया, मैं इसमें टमाटर डाल दूँगा। ये देखिए मैंने सारा टमाटर डाल दिया, एक हाथ से मैंने फोन पकड़ा हुआ अभी तो एक ही हाथ से बना रही हूँ मैं। ये देखिए, ये देखिए इसमें मैंने लहसुन प्याज टमाटर डाल दिया। अब हम इसमें आधा चम्मच हरी मिर्ची की डाल, आधा चम्मच हम डालेंगे इसमें हल्दी, क्योंकि हमने हरी मिर्ची भी डाल दी थी तीन और नमक भी डाल दिया, इसमें सिर्फ हल्दी डालनी। अब इसे टमाटर को गलाएंगे थोड़ी देर, घी अलग होने लग गया है तड़के से तो इसका मतलब हमारा तड़का अच्छी तरह से भुन चुका है। आप चाहें तो टमाटर कद्दूकस भी कर सकते हैं, उससे टमाटर का छिलका नहीं जाता है, जैसे आपको पसंद हो कर सकते हैं। नमक अपने अनुसार आप सब्जी में डाल लीजिए, मैं बहुत आधा चम्मच ही डाला है, क्योंकि नमक कम हो तो आप ऊपर से डाल सकते हैं, अगर तेज हो जाएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है तड़का भुन चुका, अब मैंने इसमें ये पालक डाल दी। ये देखिए पालक को मैंने उबाल लिया था अच्छी तरह से दो विसल में ही। आपके पास मिक्सी भी नहीं है और वो मधानी भी नहीं है, पंजाबी में तो मधानी कहते हैं हम, तो अगर वो भी नहीं है तो आपके पास ये ग्राइंडर जो है इसमें भी आप पालक बॉयल करके डाल दीजिए, और इससे जैसे आप प्याज और टमाटर करते हैं इससे भी आपका अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, बारीक हो जाएगा काफ़ी। ये देखिए पालक उबाला आ गया है, ये पालक को अब मैं इसमें ये कटा हुआ पनीर जो है वो डाल दूँगी। ये देखिए अब 5 मिनट के लिए मुझे इसे ऐसे ही गैस पर रखना है, और उसके बाद हमारी पालक पनीर रेडी हो सकती है। और उसके बाद जब भी आप इसे खाएं और टेस्ट बनाने के लिए इसमें एक चम्मच देसी घी डाल सकते हैं ऊपर से, लेकिन जो फैट फ्री खाना पसंद करते हैं तो वो फिर ऐसे ही खा लें, क्योंकि मैं तो वैसे सफोला ऑयल में बनाती हूँ सनफ्लावर में, तो उससे अच्छा लगता है मुझे खाना फैट फ्री थोड़ा होता है। ये देखिए ये हमारी पालक पनीर बन के रेडी है, ये हमारी पंजाबी स्टाइल पालक पनीर बन के रेडी है, और मैंने इसकी देसी घी डाला है, तो ये आप खाइए। और प्लीज़ मेरी वीडियो बताइए आपको कैसी लगी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल का नाम है बिलीव मी यू आर ब्यूटीफुल, और प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच, बाय व्यूअर्स।